हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अचीवमेंट इन ऑल। मैं हूं आपके साथ नम्रता। कैसे हैं आप लोग? अभी शाम का समय हो रहा है, लगभग 5:30 बज रहे हैं। तो मैंने पिछले ब्लॉग का एंड किया, तो मैंने अभी सोचा अभी से ब्लॉग शुरू कर दूं। तो आज सामान भी आ गया है घर का, मुझे वो भी अरेंज करना है। पता नहीं मैं डब्बे में रख पाऊँगी या नहीं। और अभी किचन में कुछ बर्तन भी रखा हुआ है, क्योंकि अगर दूसरे काम को आप करते हैं तो आपका एक काम छूट जाता है। अगर बाहर आप देख रहे हैं तो आपका किचन छूट जाता है। तो थोड़ा सा बर्तन रखा हुआ है और काम कुछ ऐसा ज़रूरी था जिसके चक्कर में मैंने आज खाना भी नहीं खाया है। तो दिन का दाल चावल सब्जी भी बचा हुआ है, तो दाल चावल तो मैं काम चला लूँगी, ये सब्जी और दाल का काम चला लूँगी, चावल मुझे ही खाना होगा। तो मैं सोच रही हूँ घी को गर्म करके जीरा वगैरह डालकर प्याज वगैरह काट के डाल दूँगी। मटर टमाटर है तो सब कुछ, लेकिन समय का अभाव है तो मैंने अभी शाम के लिए आटा मिलाकर रख दिया है। अब मैं जाऊँगी अभी बर्तन धोने के लिए। आटा भी मैंने बिल्कुल कम बनाया मिलाया है क्योंकि चावल अधिक है। तो बर्तन धोने जाऊंगी। बर्तन धोने से पहले मुझे क्या करना है, जब तक बर्तन धोऊंगी तब तक मेरे चेहरे का जो है मुल्तानी मिट्टी सूख जाएगा, क्योंकि आज मैंने दिन में नहीं लगाया था। तो मैं मुल्तानी मिट्टी लगा लूँगी। ये देखेंगे, मैंने आटा लगा कर रख दिया है और सब्जी अधिक बचा हुआ है, तो इसको मैं किसी चीज़ में रख दूँगी सब्जी। फटाफट कर लीजिए। तो आटा तो मैंने मिला के रख ही दिया है, दाल सब्जी गर्म कर दे दिया है। अगर वो दिन का सब्जी खाने में कुछ बोले हैं, ऐसा होता है ज़्यादा दिन उनका पसंद नहीं करते हैं, तो मैं कुछ और सोचूंगी, हल्का फुल्का बना दूंगी। लेकिन मेरा तो उपता है क्योंकि चावल भी बहुत अधिक बचा हुआ है। ऐना वगैरह मैं सब किचन में ही रखती हूँ, कहीं भी एडजस्ट कर देती हूँ, क्योंकि कम समय में बहुत अधिक करना होता है। और मेरा ऑयली स्किन था और इतना पिम्पल्स हुआ था, ऑयली स्किन के कारण चेहरे पर बहुत अधिक पिम्पल्स होता है, इसका बहुत अधिक देखभाल करना होता है। ग्लिसरीन का भी मैं रात में प्रयोग करती हूँ और मेरा ये पिंपल्स जो है 85% कवर हो चुका है इस मुल्तानी मिट्टी और ग्लिसरीन नींबू एलोवेरा जेल के कारण। तो मैं स्पेशली जब पूरी तरह से छूट जाएगा मेरा पिंपल्स, तब मैं स्पेशली इस पर एक वीडियो बनाऊँगी। अभी नहीं, मैं इसीलिए नहीं बता रही हूँ, जब तक पूरी तरह छूट ना जाए तो मैं देखिए। अपने ऊपर भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी होता है, और स्पेशली अपने लिए अभी ठंड में मैं समय नहीं निकाल पा रही हूँ। आप लोग अगर शुरू से जुड़े हुए हैं, आप देख रहे हैं हर तरह का काम करना होता है मुझे, एजुकेशनल वीडियो भी बनाना होता है, इस पर भी करना होता है, कोई काम वाम करने वाले नहीं है, अपना काम मैं खुद करती हूँ। तो चलिए, मेरा मुल्तानी मिट्टी हो गया कम्प्लीट, अब लगते हैं बर्तन में। अभी मैं इसी में बर्तन धोकर रखूँगी, क्योंकि जो बड़ा वाला जो था उसमें मैंने सारा ग्रॉसरी का सामान सैनिटाइज करके रखा है, इसीलिए इसमें मैं अभी रखूंगी बर्तन। और यहाँ पर मैं बर्तन धो लूँगी। तो डियर, आप लोगों में से जो पहली बार देख रहे हैं मेरे इस वीडियो को, वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा, हमारी भी फ्रेंड्स की संख्या बढ़ेगी और मुझे भी मन लगेगा आप लोगों से बात करने में, और आप लोग भी काफ़ी इन्जॉय करेंगे। क्योंकि मैं अपने इस चैनल पर हर तरह का एक्सपेरिमेंट, यानी कि मैं जो भी अपने रियल लाइफ में सही चीज़ करती हूँ जिससे मुझे फ़ायदा होता है, वो सारा चीज़ मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, और मुझे बहुत ही अच्छा लगता है आप लोगों के साथ शेयर करना। तो डियर, अगर जो जो पहली बार देख रहे हो वो सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट्स कर अपनी प्रतिक्रिया देना, और जो पुराने हैं वो तो हैं ही, वो तो देख ही रहे हैं, उनको बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद जो देख रहे हैं। तो यहाँ मैंने सारा बर्तन अपना धो लिया है, और बाबू को भी मैं बार बार पलट कर देख रही हूँ, बाबू गेम देख रहा है। बर्तन भी हो गया, आधा मेरा मिट्टी सूख भी गया है, आधा बचा है। तो अब मैं चावल गर्म कर लेती हूँ, या बाबू अगर कुछ नाश्ता करेगा, बॉर्नविटा पिएगा, उसको देकर मुल्तानी मिट्टी में साफ करके फिर सामान को मैं समेट कर रखूँगी। मिला अभी मैंने आटा लगा दिया है। जब मैंने पिछला ब्लॉक एंड किया था उसके बाद मैंने बहुत सारे काम को निपटाए थे, कपड़ा वगैरह था उसको उठाना था, उसके बाद किचन गई, किचन में भी काम पड़ा हुआ था, तो मैंने आटा वगैरह मिला दिया है। अब मैं सामान देख लेती हूँ। तो मैंने इस ये जो बर्तन धोने वाला है आप देख रहे हैं, इसमें मैंने सारे सामान को निकाल कर रखा है, जो जो सैनिटाइज करने का था वो मैंने कर दिया है।
दिक्कत क्या है, देखिए 2 दिसंबर को थोड़ा लेट तक मैं सोई रही, तो एक स्लिप मैं लिख के रख देती हूँ सामान का, जिससे कि हर महीने सामान आता है। इन्होंने क्या किया, वो स्लिप लिया और जाके दुकान में दे दिया। दुकान वालों ने क्या किया, भर भर के सामान दे दिया। हम क्या करते हैं, जो सामान बच जाता है उसको काट देते हैं कि इस महीने उसको नहीं मंगाना है। काफ़ी सामान ऐसा था जो कि बचा हुआ था, लेकिन फिर भी वो सारा सामान आ गया है। और इस बार तो कई सामान ऐसे हैं कि दो दो आ गया है, तो अब कुछ तो डब्बे में अभी भी रखे हुए हैं और कुछ इसमें भी ऑलरेडी, जैसे कि ये देखेंगे आप पहले से ही, ये 2 सत्तू है, सत्तू का इस मंथ यूज नहीं हुआ है, ये सौंफ, और ये देखेंगे आप मेथी है, सरसों है, और ये साबुन वगैरह है, ये स्कॉच वाइट है, और ये भगवान को भोग लगाने के लिए मैं मंगाती हूँ, तो इस महीने तो पूरा छुत्तक छुत्तक ही चला, पूजा पाठ ज़्यादा हुआ नहीं। ये अरारोट मंगाया था, तो इतना सामान था और ये खाली है। इसके बावजूद भी बहुत ऐसे सामान हैं जो कि आ गए हैं, तो अभी फ़िलहाल मैं इसमें रख लेती हूँ, क्योंकि अभी तो समय हो गया है, दिन बहुत छोटा करता है, अपना भी काम करती हूँ, थोड़ा सा एजुकेशनल वीडियो बनाना, घर बार समेटना, तो उसमें बहुत समय हो जाता है। अगर मैं अभी सभी सामान को डब्बे में समेटने लगूँगी तो मुझे 10 बज जाएंगे रात, और बिल्कुल मैं 7-7:30 बजे तक खाना बना के बैठ जाती हूँ, क्योंकि मैं जब तक किचन में काम करूँगी ये भी मेरे पीछे पीछे घूमते रहता है, इसलिए मैं जल्दी जल्दी वहाँ का काम निपटाती हूँ। तभी तो मैंने आटा मिला दिया है, आलू बॉयल कर दिया है, अब मैं आई हूँ इस सामान को देखने के लिए। तो कुछ सामान इन्होंने बिग बाज़ार से लाया है, जैसे कि ये अरहर का दाल, तो इसको मैंने सुबह बनाया था, ये फटा हुआ है आप देख रहे हैं, और ये चीनी, ये भी बिग बाज़ार का ही है। और अब मुझे ये आइडिया नहीं है कि सामान, क्योंकि बड़े बड़े थैले में आया था तो बिग बाज़ार से ही आया होगा, मैंने अभी पूछा नहीं है। ये सन पापड़ी था जिसको कि मैंने फाड़ दिया है, और कुछ बिस्किट वगैरह थे जिसको कि मैंने खोल दिया है, और ये है आपका चना का दाल है, चना का दाल है, ये मूंग का दाल है, सारे दाल हैं। अब ये देखिएगा, शुद्ध घी है, शुद्ध घी तो इतना आ गया, जब मैं सैनिटाइज़ कर रही थी मुझे हंसी भी आ रही थी, पता नहीं ऐसे कैसे सामान आया था। इसीलिए मैं जाती हूँ लेने के लिए, तो मुझे एकदम बिल्कुल आइडिया रहता है कि क्या लेना है, कितना लेना है, क्यों अनावश्यक चीज़ों को घर में इकट्ठा करना है जब हर 30 दिन में आना ही है। तो और इसीलिए मैं सारे सामान को सैनिटाइज भी करती हूँ, आप पीछे देख रहे हैं। तो ये एक ये घी हो गया, मैं आपको दिखाती हूँ, ये है मिक्सर। अब ये देखेंगे फिर से आ गया है सरसों मेथी, क्योंकि पहले का चिट्ठा लिखा हुआ था, और इधर सरसों मेथी आपका अलग है इस ड्राम में, तो ये सब हो जाता है। दिक्कत ये है सरसों मेथी, ये क्या है, ये है मूंगफली, ये है मखाना, और ये व्हील सर्फ है, ये देखेंगे ये चाय पत्ती है, तो चाय पत्ती एक नहीं है बल्कि ये 2-2 आ गया है, 1/2 किलो, एक तो फटा हुआ भी है थोड़ा सा, ये आ गया है। ये देखेंगे चना दाल इसमें भी आ गया है, चना दाल उसमें भी आ गया है। अब बॉर्नविटा का ये पॉकेट आया है, ये देखेंगे मसूर का दाल है, ये देखिए मूंगफली, एक मूंगफली इसमें भी है, इसमें भी है, मतलब एक एक सामान 2-2 बार आ गया है। ये देखेंगे एक ये बॉर्नविटा, एक ये बॉर्नविटा, हंसी भी आती है और समझ में नहीं आता है कि ज़रा सा, मतलब देखिए औरत का क्या काम होता है। ये देखिए मूंग का दाल इसमें भी है, पहले भी मैंने आपको दिखाया। और ये तो है काजू, ये है बादाम, ये है छुआड़ा, ये है सूखा नारियल। अब देखिए ये सूखा नारियल वगैरह मैं हर मंथ नहीं मंगाती हूँ, किसी मंथ में कुछ बनाना होता है तो जिस जब चाहिए होता है उस समय भी रिसेंट में मंगा लेती हूँ, टूटा हुआ अभी नहीं है, पता नहीं अंदर सड़ा है कि क्या, उस मंथ में मंगा लेती हूँ। लेकिन चूंकि वो स्लिप लिखा हुआ था, इन्होंने जाके दे दिया, उसने सामान पहुँचा दिया। ये हो गया, ये देखेंगे आप राजमा, ये पतंजलि का साबुन, ये देखेंगे ये सब तो खैर ज़रूरी है, ये है डब साबुन, ये सब तो ज़रूरी है, शैम्पू है। अब देखिए ये कंडीशनर है डब का, और ये पतंजलि का है शैम्पू, ये देखिए। अब घी आया है तो ये इधर आ गया, ये मुझे लगता है 1/2 kg का घी है, ये 1/2 kg, ये 2, ये देखिए ये 2 डब्बा, ये है, ये एक पॉकेट है शुद्ध घी का, ये 2 डब्बा हैं, तो वही है। ये देखेंगे ये जीरा है, और पतंजलि का साबुन में मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ही आ गया है, ये तो 4-5 तो मैंने पहले ही सेलेक्ट किया था। ये देखें, ये देखें, पूरा समझ में नहीं आ रहा है। और ये है साबुदाना, ये तो मैंने लिखा था, ये हल्दी है, एक पॉकेट हल्दी मैंने सुबह भी फाड़ा था, ये बेसन है, ये कम्फर्ट है, ये सब तो ज़रूरी चीज़ है, ये पेस्ट है, ये भी है, ये तेजपात है, फिर से हल्दी, ये देखेंगे एक फाड़ा है, एक ये है, एक ये है, ये है चमन परास, और ये नमक है, ये अजवाइन,
ये बॉडी लोशन है, ये गुलाब जल ग्लिसरीन, तो ये लिखा था ग्लिसरीन, तो आप तो ठंड में आप बिल्कुल यूज करिए, आपका ऑयली स्किन है, पिंपल्स है, जो मेरे स्किन में पिंपल्स है आपने पिछले वीडियो में भी देखा, इस ग्लिसरीन ने ही इसको कवर किया है, मतलब कि ख़त्म किया है। तो मैं बताऊँगी इसका यूज क्या है, किसी वीडियो में ज़रूर बताऊँगी और कैसे है। तो ये तो बाबू का क्रीम है, ये बाबू के लिए दंत कांति पेस्ट है, और ये स्कॉच वाइट है, ये भी स्कॉच वाइट है, ये रिफाइन हुआ, ये पापड़ हुआ, ये लाल मिर्च हुआ, ये अगरबत्ती हुआ, मत निकालिए ये सब, ये पुदीन हरा हुआ, और ये देखिए पंचफूर्णा। जब मैं घर में बनाती हूँ तो मैं ये कभी नहीं मंगा सकती हूँ, लेकिन ये दुकान वाले ने कुछ अपने तरफ से भी दिया है, और ये तो किसी के साथ फ्री आ नहीं सकता है, तो ये सब होता है अगर औरत सामान लेने नहीं जाती है तो। और ये 2-3 लीटर है सरसों तेल, तो ये सब तो ठीक है, इस सब में तो कभी कुछ बना लीजिए तो ज़्यादा हो जाता है। तो अब मैं क्या करूँगी, इन सारे सामान को मैं इस ड्राम में रख लेती हूँ, फिर मैं आराम से किसी दिन, इसका तो एक ज़रूरत है, आराम से मैं 1-2 दिन बाद सारे सामान को एडजस्ट करूँगी, जिसका ज़रूरत है मैंने निकाल लिया, जो एक पहले से था स्कॉच वाइट। ये देखिए मैं जब घर में बनाती हूँ उसमें मैं जीरा वगैरह सब कुछ डालती हूँ, इसमें जीरा कहीं भी नहीं दिख रहा है ये रेडीमेड पचपूर्णा में, बताइए। तो चलिए मैं अभी डब्बे को रखूँगी बाहर और इसको रख लूँगी, तो यहाँ पर मैं रख लेती हूँ सारी चीज़ को, सारे बड़े बड़े चीज़ों को पहले मैं अंदर रखूँगी। ये दाल हुआ, पापड़ भी अभी एक खुला हुआ है, अभी नमक भी है, इसको भी मैं रख लेती हूँ, अगरबत्ती का भी अभी ज़रूरत नहीं है, अभी वहाँ खुला हुआ है, जब पूजा होने लगेगा, अभी 2-3 दिन और पूजा होने में बाकी है। लाल मिर्च भी बाहर है तो इसको रख लूँगी मैं, ये सब तो जो पहले से था उसको रख लेती हूँ, जो बड़ा वाला स्कॉच वाइट है रख लेती हूँ, क्योंकि अभी मैंने एक छोटा देखा है जो पहले का था, इस बार मैं प्रसाद बाहर रखती हूँ नवेद। और ये देखिए ये फटा हुआ भी लेते आया अपना दिखाने के लिए बिस्किट, ये इसका बिस्किट है, और एक दो पॉकेट अभी रखिए, आप वहाँ जाके रख लीजिए, ये सब खाइए, निकाल के जाइए। तेल को तो मैं एक पन्नी में तीनों को चारों को बांध कर रखूँगी, तो जो बाद में रखना है उसको मैं इसमें ऐसे रख देती हूँ, जो फटा है पहले उसको बाहर कर लेती हूँ। यह है मिक्सचर, तो बहुत केयर करना पड़ता है। पहले क्या होता था, जब ये कोरोना का कोई प्रचंड नहीं था तो सामान आया रखा हुआ है, कोई बात नहीं, बच्चे छू भी रहे हैं तो कोई टेंशन नहीं है, तो जीवन में पहली बार कोई भी व्यक्ति इस काल का सामना कर रहा है। लेकिन अब क्या टेंशन है, जिस दिन आया, जिस समय आया, अगर मैं जिस समय आता है मैं अगर उस समय नहीं कर पाती हूँ, मैं उस पर कोई चादर ढक देती हूँ ताकि ये छुए नहीं। बच्चे लोगों में क्या होता है, जो चीज़ आप मना करिएगा वो वही चीज़ को छुएगा बार बार, तो मैं ढक के रख देती हूँ। लेकिन मेरे दिमाग में था, इन्होंने सुबह स्लिप दे दिया था, मैं जब लिखती हूँ तो स्लिप से छांट छांट कर जो नहीं चाहिए होता है उस तरह इन्होंने पूरा दे दिया था, तो अब शाम हो गया ये सब करते करते, तो मैं मैक्सिमम 5 बजे के बाद ही फ्री हो पाती हूँ, तो सब सामान मैं रख लूँगी इसमें जो ज़रूरत का है, मैंने बाहर छांट कर रखा है, बाहर क्या है, चीनी को रख दूँगी चीनी के डब्बे में, और ये दाल रखूँगी डब्बे में। अब इतना सामान एडजस्ट करने में मुझे 10 बज जाएंगे रात, इसीलिए मैं आज नहीं करूँगी, रुक रुक कर करूँगी जैसे मुझे सुविधा होगा। तो चलिए अब किचन चलती हूँ, और आटा चावल ये सब तो है ही, आता ही है, उधर रखा हुआ है, उसको मैंने सैनिटाइज नहीं किया इसलिए उसको मैंने हाथ भी नहीं लगाया है, उधर ढक कर रख दिया है गोदरेज के पीछे, ताकि ये देखे नहीं, ये देखेगा तो उसको ज़रूर टच करेगा। तो चलिए डियर, अब मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले ब्लॉग में अगली सुबह से, और काफ़ी मन लगने वाला है, तो मेरे अगले ब्लॉग का ज़रूर इंतज़ार करिएगा, ज़रूर उसे देखिएगा। और जो अभी का सामान है, मतलब जो साबुन वगैरह है, उसको मैंने बाहर में रख दिया है, मुझे लगता है कि आपने एंजॉय किया होगा, तो अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय डियर, लव यू ऑल, बाय बाय।